लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो बार बार यही कहा जाता है कि बीजेपी जानबूझकर साजिश करके लालू परिवार को फंसाती है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो छापेमारी में सामान मिले हैं, जो रुपए मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उन नेताओं के लिए मुश्किल होने लगा है कि अब वो क्या जवाब देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार के ऊपर सीबीआई और ईडी के लगातार छापेमारी और पूछताछ का दौर जारी है, पटना से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में ईडी की छापेमारी में जो जानकारी निकल कर सामने आई है और ईडी ने जो डेटा दिया है, जो जानकारी साझा की है मीडिया में, उसके अनुसार करोड़ों रुपए तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों के बीच बरामद हुए हैं। लालू परिवार के यहाँ, तेजस्वी यादव और उनकी बहनों के यहाँ जो छापेमारी हुई, उनमें से करोड़ों रुपए के सोना चांदी और जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं। विदेशी जो रुपए हैं वो भी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या तेजस्वी जेल जाएंगे। दरअसल ईडी ने जो जानकारी साझा की है उसके बाद यह कहा जा रहा है कि ईडी ने सीधे तौर पर उन लोगों को जवाब दिया है जो लालू परिवार के ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक से जोड़कर देख रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सियासत में आरजेडी के उभरते हुए चेहरे और कद को डैमेज करने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने कंपनियों के मालिक होने के बाद तेजस्वी यादव और परिवार के दूसरे सदस्य क्या सफाई देंगे। जो तेजस्वी यादव लालू परिवार के घर में ही, राबड़ी देवी के घर में ही ईडी और सीबीआई के दफ्तर खोलने की बात कर रहे थे, उनके दिल्ली वाले आवास से जिस तरीके से कागजात और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो रुपए बरामद हुए हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सफाई में क्या कुछ कहेंगे, ये देखना होगा। हालांकि क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है, ईडी की तरफ से जो फोटोग्राफ्स दिए गए हैं उनमें बताया जा रहा है कि जो सूटकेस में भर के ये करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो सोने चांदी का जो बिस्किट है वो मिले हुए हैं, इसके साथ कई कागजात हैं, कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें तेजस्वी यादव और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य, जो उनकी बहनें हैं, वो अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर की भूमिका में रहे हैं। तब बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो आरोप लगाया जाता रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर, वो आरोप कितना सही है। क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापेमारी में जो दस्तावेज, जितने रुपए मिले हैं, उसके बाद अब जवाब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को देना होगा। हमारी सहयोगी नेहा हमारे साथ है, क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्या कुछ कैश मिले हैं, क्या अपडेट आया नेहा, कितने करोड़ रुपए की बातचीत की जा रही है और क्या कुछ मिला है? देखिए, अभी जो छापेमारी हुई है, कुल मिलाकर कल और आज तक में 600 करोड़ रुपए का पूरा भी मामला सामने आया है। इसके साथ साथ 350 रुपए की अचल संपत्ति मिली है। उसके बाद भी कई सारे ऐसे भी जेवर मिले हैं। इसके साथ साथ 1900 अमेरिकी डॉलर सहित दूसरी विदेशी मुद्रा मिली है। 540 ग्राम सोने की ईंट मिली है। 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा सोने के आभूषण मिले हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये का जो नकदी पैसा मिला उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। और जितना वीआईपीज खोला गया उसमें से कई सारे दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें से लालू परिवार के जितने सदस्य हैं वो लोग कई सारे कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। यानी कि 24 जगहों पर जो ठिकाना हुआ था कल से और आज तक में, इन सभी में से लगभग 600 करोड़ रुपए का पैसा मिला है, संपत्ति मिला है तमाम तरह की। अभी यही सारी बातें निकल कर सामने आई है, तकरीबन 600 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली। और हम नहीं कर रहे, दरअसल ईडी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है। ये जितने दस्तावेज मिले हैं, जितने कैश मिले हैं, उसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है कि 600 करोड़ रुपए के चल और अचल संपत्ति के साथ अब तक एक दिन के जांच में, छापेमारी में ये तमाम दस्तावेज आए हैं। अभी ईडी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जैसे कि ईडी के अधिकारियों का कहना है, सीबीआई की जो जांच टीम है, ईडी ने सम्मन भी भेजा है, सीबीआई ने भी सम्मन भेजा है, अभी पूछताछ का सिलसिला चलेगा। तेजस्वी यादव को बताना होगा कि कैसे इन तमाम कंपनियों के वो डायरेक्टर हैं, कैसे इतने कैश उनके घर में मौजूद थे, उनके बहनों के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई।
ये बड़ा सवाल है। समन जो भेजा गया तो तेजस्वी यादव को बुलाया भी गया था सीबीआई पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी की जो वाइफ है राजश्री यादव, उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में, ये हवाले देकर वो नहीं गए सीबीआई से मिलने के लिए। लेकिन अब जो ईडी सबसे बड़ा खुलासा की है कि 600 करोड़ रुपए का जो चल अचल संपत्ति है, इसका जवाब तो तेजस्वी यादव को देना ही पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, जिन कंपनियों की चर्चा करते रहे, पिछले बार महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015-17 के बीच में, उस वक्त उन्हीं दस्तावेजों का वो सहारा ले रहे थे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ईडी के पास जब ये रेड हुई और उनमें कई कंपनियों में खुद तेजस्वी यादव, उनकी बहनें, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों के हेड ऑफिस के तो मैं बतौर वो डायरेक्टर के तौर पे हैं, तो इतने सारे संपत्ति में लालू परिवार कैसे शामिल हो गया? इतने कैश, इतने पैसे आज जो बरामद हुए हैं, जो ईडी के माफ कीजिएगा कल जो बरामद हुए, जिसके बारे में ईडी ने आज जानकारी दी, ये तमाम हिसाब किताब पूछे जाएंगे और अब जवाब भी देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को 2015 में भी हमने कहा था कि ये बातें उनको पब्लिक डोमेन में रखनी होगी, लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी सरकार में है, उनको पब्लिक डोमेन में रखनी होगी, तमाम बातें बतानी होगी कि आखिर इतने रुपए आए तो आए कहां से और इन रुपयों का सोर्स क्या है। इतने कंपनी में जब सवाल उठ रहे हैं, तो अब आरजेडी के नेता अगर ये कह देते हैं कि बीजेपी साजिश करके लालू परिवार को परेशान करना चाहती है, या फिर ये कहा जाए आरजेडी की तरफ से ये सफाई दी जाए कि जो पैसे हैं या जिस तरीके से जो मामला है पूरा मामला एक्चुअली लालू प्रसाद यादव के 2004 से जो टेन्योर था उनका रेल मंत्री का, उस दौरान का है। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने थे, उस वक्त रेलवे में अलग अलग जगहों पर उन लोगों को नौकरी दिए थे जिनसे जमीन बाद में लिखवाई गई, या उनके जमीन के कम पैसे लिए गए और बाद में उस जमीन को ज़्यादा पैसे में बेच दिए गए। तो ये पूरा मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, और इस मामले में भी जो पैसे का ट्रांजेक्शन है उसमें तेजस्वी यादव के बैंक खाते या उनके नाम पे जो बैंक खाते थे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। तो पूरा का जो पूरा मामला है वो तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल रहा है, और अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इस बार ईडी सीबीआई के इस जांच के बाद बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब जो सबूत हैं, जो कागजात मिल रहे हैं, वो तेजस्वी यादव और लालू परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनके खिलाफ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं अलग अलग जांच कर रहे हैं, उनको तय करना है कि वो आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल संबंध दिया गया है और अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई है कि तेजस्वी यादव सम्मन का जवाब किस तरीके से देते हैं जब वो पहुंचते हैं, तो ईडी के जो अधिकारी हैं, जो सीबीआई के अधिकारी हैं, उनके पास जो सवालों की लिस्ट है उसका जवाब तेजस्वी कैसे तैयार करके दे पाते हैं। लंकी, अब जवाब आरोप साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। काफ़ी लंबा समय बीत गया, 2004 का केस है, 2008 में फिर उठाया गया, फिर 10 में भी उठाया गया, लेकिन अब 23 में फिर से उठाया गया, तो हमको लगता है एक बार जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जवाब देने ज़्यादा जरूरी पड़ता है, क्योंकि अब बिहार में आपकी पार्टी, आपके गठबंधन में आप सत्ता में है और आपको मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है। आपके लिए बिहार में एक जो धड़ा है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, और तेजस्वी यादव अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको अब जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये सवाल अब केवल आपके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। जो संपत्ति बरामद हुई है सीबीआई और ईडी को, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, इन तस्वीरों को आप देखिए एक बार फिर से, हम करें ये रुपए बरामद हुए हैं जो जानकारी आ रहा है, ये दस्तावेज, तस्वीर भी साझा की है, बिल्कुल उन तस्वीरों की हम चर्चा करें, जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी तस्वीरें सामने आई है, तो ये रुपए करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं, ये विदेशी मुद्रा की तस्वीरें, जो जेवरात की बात की जा रही है सोने चांदी, उनकी भी कीमत तकरीबन करोड़ों में है, 1.25 करोड़ के आसपास की कीमत बताई जा रही थी। इसके अलावा 550 ग्राम सोने की बिस्किट थी, तो अन्य चीज़ें, ये एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच अब लालू परिवार को जवाब देने से पहले सफाई देनी होगी जांच एजेंसियों को, उसके बाद बिहार के लोगों के सामने भी तेजस्वी यादव को खासतौर पर जवाब देना होगा। और आरजेडी के नेता जो ये बातें कह रहे थे कि यह साजिश है, तो अब इस साजिश में भी आरजेडी के नेताओं को भी जवाब देना होगा कि एक आरोप लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का पहले लगा और अब तेजस्वी यादव पर लग रहा है। जो आरोप लगा उसके बाद जिस तरीके से बरामदगी हो रही है, इसके फिलहाल जो उम्मीद है कि तेजस्वी यादव के पास फिलहाल जवाब नहीं है, यही वजह है कि तेजस्वी चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त लिया जाए। भले ही राजश्री की तबीयत बहुत बेहतर नहीं है, वो बीमार हैं,
लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई दिख रही हैं। हालांकि तेजस्वी अब तो जवाब देना ही पड़ेगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि 600 करोड़ की जो अभी ईडी बताई है कि संपत्ति, अचल चल संपत्ति बरामद हुई है, बहुत टाइम पीछे तेजस्वी यादव जवाब देने से मुकर गए, जवाब नहीं दिए हैं। पिछले बार भी जब अभी रावड़ी आवास पर जो छापेमारी हुई तब भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे घर पर, लेकिन अब तो जवाबदेही बनती है और जवाब देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ, तो जवाब तो देना होगा कि 600 करोड़ रुपए जो है, और ये ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ये जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, जो सामान बरामद हो रहे हैं, जो दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो गलत ढंग से अर्जित किए हुए संपत्ति है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गलत ढंग से अर्जित किए हुए संपत्ति को लेकर ईडी ने आज खुलासा किया। तो ईडी ने तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार की मुसीबत तो बढ़ा दिया है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये तमाम जो अपडेट है वो हमारी सहयोगी नेहा और हम अब तक पहुंचा रहे थे। लालू परिवार से जुड़े हुए और भी अपडेट और ईडी की कार्रवाई दिल्ली में किस प्रकार से हो रही, उससे जुड़े तमाम दस्तावेज और ईडी के द्वारा जो मामले सामने लाए जाएंगे वो भी हम आपको पहुंचाएंगे। हमारा मकसद होता है कि बस बिहार के तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएं, साथ ही साथ जो आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों में जो सच्चाई है उसे भी दिखाएं।